की ननद कहते हैं मेरे पास जो बच्चे बड़े बेटे का नाम गौतम है और छोटे बेटे का नाम गोविंद है, हमारी पत्नी जिसका नाम कंचना है, एक बेटी भी है जिसका नाम चंदा है। क्या बताओ साथियों, हमारी जो पहली धर्म पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। उसके मर जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे बड़ी तकलीफ हो रही थी, रिश्तेदारों को कहे हमने जब दूसरी शादी किया तो उसे एक लड़का पैदा हुआ गोविंद, लेकिन हमारी धर्मपत्नी का कोई भेदभाव नहीं, दोनों बच्चों में बहुत जमती है, लेकिन चंदा बड़ी हो गई है, शहनी हो गई है, सोचता हूं क्या उसकी शादी कर दूं। हर वक्त चिंता लगी रहती है, रातों को नींद नहीं आती है, चूंकि जिस बच्चे के पास मां ना हो वो उतनी बात किससे कहेगी जाकर के, मेरे सामने तो कोई बात कह नहीं सकती मेरी बेटी, आंखों में आंसू आ जाते कि मैं कब चंदा की शादी करूं, कैसे करूं। इस बात को लेकर मैं रातों दिन पीड़ित रहता हूं, नींद नहीं आती है। सर जी, मैं अनुसरण, आपकी बेटी चंदा सियानी है जी, हाँ, उसी की विषय में आपको नींद नहीं लगती है? हाँ। नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। शेर जी कहा गए है, जिस नारी के चाहे उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की हो चाहे उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों के लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सब पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी, जिस घर में सूता सयानी हो, जिस घर में बहन बेटिया सयानी हो जाती है, सेठ जी नींद नहीं लगती है, न किसी की बात अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ सेठ जी, वास्तव में रामशरण बड़े अच्छे विचार हैं तुम्हारे, बड़े पुराने नौकर हो लेकिन तुम हमारे घर के सदस्य की तरह रहते हो, तुम्हारी हर बातें हमें पसंद है, अच्छी लगती है, तुम बताओ क्या करूं, कैसे चंदा की शादी हो। सेठ जी, जी हाँ, आपके फैक्ट्री के मैनेजर श्री रंजीत सिंह जो है, जी हाँ, बहुत अच्छे भले हैं, कभी काम देखते हैं यहाँ, कभी काम देखते हैं। अरे भाई वो तो हमारे परिवार की तरह है, हमें सारा कारोबार उन्हीं पे तो सौंपा है, उन्हीं पे सौंपा है। जी हाँ, तो आप ऐसा करिए सेठ जी, कि सर्वप्रथम आप मयूर बाबू बुला लें, उनसे सलाह लें कि शादी विषय में क्या कहते हैं। ठीक है देव, एक काम करो तुरंत बुलाओ उनको। ठीक है, आवाज क्यों दिया, बात क्या है आपका बुलाने का कारण? हाँ, कारण क्या है? सेठ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी? हाँ। कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी काम होगा तभी तो आपको बुलाए हैं। तो ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ चले। देर का है बात की? हाँ। और भैया सर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मनीषा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सेठ जी, जी आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके चेहरे पर उदासी है, उदासी का कारण जरूर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? आप बैठ जाइए। अरे किसलिए
जी, आपके चेहरे पर उदासी है, उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं, आखिर बात क्या है? मैंने जब सब बुलवाया हूँ तो कारण भी जरूर बताऊंगा। जरूर बताएं, हम सुने। उसकी मां नहीं है इस दुनिया में, ये बात तो सही है सीर जी। मैं उसका मां, मैं उसका बाप हूं। हर बेटी तो नहीं कर सकती ना अपने दर्द को अपने बाप से। उसके चेहरे को देखो तो आंखों में आंसू आ जाते। बड़ी तकलीफ होती है रंजीत, मुझे उसे देखकर मैं सोचता हूं कि उसकी शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम बताओ मैनेजर, क्या रहा है भाई? सर जी, आपको तो तकलीफ होती ही है, लेकिन मैं भी जब उसे देखता हूँ तो यही होता कि अगर चंदा की शादी हो जाती तो बड़ी अच्छी बात। देखिए, आपने ठीक कहा है, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, भले आप स्टील फैक्ट्री के मैनेजर बना दिए हैं, लेकिन हो तो आपका नौकर। अरे भाई, उसमें मालिक नौकर की क्या बात है? देखिए, आपके पास परिवार है? जी हाँ। दो दो बेटे हैं, सेठानी जी हैं, इन सबको बुला करके आप उसे सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए, जो सलाह उनकी होगी वही सलाह मेरी भी होगी। सही कहते हो तुम रायन सर। मैनेजर गैर का कहना है कि परिवार को बुलाकर पूछ लिया जाए। तुम भी हमारे परिवार के हो, तुम क्या कहना चाहते हो? आइए बैठी। क्यों मैनेजर बाबू कह रहे हैं, वही सलाह हमारी भी है। अगर यही सलाह तुम्हारी है तो काम करो, परिवार को बुलाओ। राम शरण बहुत जल्दी करो। हो कंचना, मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। ठीक ही चाहिए, अच्छी बात है, बच्चे भी आए हैं। ठीक है, बात कर लीजिए, अच्छी बात है। बाबूजी के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम। पापा जी के चरणों में चंदा रोटी का प्राप्त स्वीकार हो। हाय रेड, हाउ आर यू? आज हम लोगों को आपने अचानक बुलवाया,
क्या बात है? तू गोविंद है? यस सर। कॉलेज गया था? यस। अच्छी बात है, बुलाया हो बेटा तो जरूर कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले तेरी माँ से कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि मेरे परिवार को बुला दो, मैंने आपके परिवार को बुला दिया है। आपको ठीक जना बोलिए स्वामी जी। बात को बोलो तुम्हारी क्या राय है? यानी स्वामी जी आप मेरी राय लेना चाहते हैं? जरूर। तो मेरी बात सुनिए। हमारे बाप कान खोल के सुन लिया। पहले मैं तो सुनाई तुम्हें बात बताऊ, मैं कोई पहला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात को सुना, मेरे ढंग से सुनाओ। सुनाओ। हाँ तो चंदा रंगी हमार बिटिया ले आकर एक शादी हो या ना हो, चाहे उभर पड़े रंगी हमसे मतलब रखने से है कि पूरी जायदाद से ज्यादा पैर बेटी से अलग अलग मामला होता है कंचना। दिस इज माई ग्रेट मॉमी। यस। शादी होने के बाद ही तुम्हें फुल प्रॉपर्टी मिल सकती है। तुम्हारी बेटी नहीं है कंचना, चंदा सिंह मेरी बेटी है। तुमसे कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई मतलब नहीं है। सुन लिया सर जी, जो कहा आपने सुना, एक बहुत दुख की बात है। लेकिन ऐसा कीजिए, एक ही बातों का गुस्सा लिया, लेकिन जो गोविंद है उससे इसलिए कि कहने का मतलब अपना सगा बेटा उसे भी समझते हैं, उससे कुछ क्या कहना चाहते। ठीक बेटा गोविंद। यस सर। तुम्हारी माँ ने जो कहा वो बातें तो मैंने सुन लिया मुन्ना। तुम्हारी बहन है चंदा, जिसकी शादी मैं करना चाहता हूँ। साफ साफ बात समझो बेटा, अगर बेटी मेरी हो जाए, तुम्हारी बड़ी सयानी बहन हो गई है, तो तुम्हारा फर्ज बन जाएगी बेटी।